कि अगर हम आपको समझाते हैं एग्जांपल लेके कि HCO2 3F2 में क्या आएगा बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आपका होता है sp(d) ऑर्बिटल्स। s में पूरा फिल्ड होता है, p पूरा फिल होता है ज़ीनॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है, हमें रिक्वायर्ड होगा प्लस 8 ऑक्सीडेशन नंबर है तो वी रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड फ्रॉम हियर, व्हेन अपन गो हियर फ्रॉम हियर आल्सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर आल्सो हियर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन विल बी देयर, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्साइटेशन। तो क्या होगा, ज़ीनॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ये हुआ ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑल अनपेयर्ड। नाउ नाउ कितना दिया है, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 ऑक्सीजन, तो इसमें आपका हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यहां पे इलेक्ट्रॉन 3 बचेंगे अनपेयर्ड, तो दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अनपेयर्ड दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp3d। यहां पे क्या है, तीन जो एटम फ्लोरीन के होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये रूल होता है बेंट्स रूल, याद रखो इसको बेंट्स रूल को, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी प्लेस्ड एट द एक्सियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द इक्वाटोरियल पोजीशन। ये आपका आएगा इसमें, तो इसका नाम क्या है, शेप का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप ज्योमेट्री दोनों सेम होता है, ये इसका आंसर होगा। गॉट इट। Which one? हाँ, इसमें आपका बेंट रूल होता है ना, अप्लाइंग बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन विल बी प्लेस एट द एक्सियल पोजीशंस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इक्वाटोरियल, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। यस यस, शेप एज ए होल शेप इज नॉन प्लेनर ना, एज ए होल शेप का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मींस शेप इज 3D नॉट 2D। यहां तक लिखा पूरा? कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उतना होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पहले वो निकालते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। आगे चलें, तो और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था इसमें HCO2F2 हो गया था, XCOF4, तो वी टेक XCOF4। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 6, तो प्लस 6 का मीनिंग क्या है, वी रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो फ्रॉम हियर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन विल टेक प्लेस, तो वन लोन पेयर विल बी देयर। क्या है, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, राइट एटम इन एनी सीक्वेंस, कोई इशू नहीं होता है, राइट ओ फर्स्ट देन फ्लोरीन, या फ्लोरीन फर्स्ट देन ऑक्सीजन, और पहले फ्लोरीन फ्लो फिर राइट, एनी सीक्वेंस कोई मैटर नहीं है उसमें। अप टू हियर वी हैव सिग्मा बॉन्ड्स, मींस अप टू हियर वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, तो s1 3p 2d, तो ओनली दे हैव वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दैट फ्रॉम पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन व्हाट ज्योमेट्री इज टेकन, ज्योमेट्री विल बी टेकन ऑक्टाहेड्रल। यहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, lone pair will cause more repulsion than single bonds, lone than bond pairs, also double bond will cause more repulsion than single bonds,
we place double bond and lone pair opposite, because they will cause more repulsion. We place them opposite sides to minimize the repulsion of among all kind of electrons. ये आपका हुआ। When the question given आपको, I am repeating, आपको method नहीं लिखना है, method is for your convenience only। क्या हुआ उसमें hybridization sp3d2 and ज्योमेट्री में हुआ शेप का, ज्योमेट्री तो ऑक्टेहेड्रल बट शेप लिखना पड़ता है, शेप का नाम होगा इसमें स्क्वायर पिरामिडल। एक पिरामिड होगा स्क्वायर पिरामिडल, अगला आपका एग्जाम्पल था बाकी कुछ पूछना पूछ लीजिए, आपको तो सिंपल एग्जाम्पल है मैं डिफिनेट आंसर्स। सल्फेट का तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर था SO4 का, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल। अगला होता है इसमें PO4, तो फॉस्फेट भी शेप है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपको आंसर का इतना लिखना पड़ता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा अभी स्कूल एग्जाम में तो इतना ही लिखना आपको है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, कहानी खत्म। अगला एग्जांपल दिया था POCl3, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल। अगला एग्जांपल था SO2Cl2, यहां पे भी क्या होता है SO2Cl2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप इज टेट्राहेड्रल, HCO3 में शेप था पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3। HCO4 में क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप हाइब्रिडाइजेशन sp3। कोई डाउट है पूछ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे लिखा कैसे है या कैसे कर दिया तो, बिकॉज ऑलरेडी आपको मेथड बताया था उसी का एग्जाम्पल आपको समझाया मैंने अभी ये। फॉर एक्सी लास्ट क्वेश्चन वही था, टीबीपी था sp3d। व्हेन ज्योमेट्री टीबीपी मींस इट हैज टू बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन ओनली, वो तो लिखा था ना, यहां तक थे हमारे तो sp3d तक था वहां पे पिछले वाले केस में। गॉट इट? आगे चलें, बच्चे लोग वो यहां पे क्वेश्चन से पूछते हैं कई बार हैं कि लाइक क्वेश्चन देंगे कार्बोनेट आयन, इन कार्बोनेट आयन क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीओ बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन ए दिया होता है दे आर ऑल सीओ बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन बी दिया होता है ऑल सीओ बॉन्ड्स हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन सी दिया होता है
टू सीओ बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वन सीओ बॉन्ड शॉर्ट. डी था टू सीओ बॉन्ड्स शॉर्टर एंड वन सीओ बॉन्ड लॉन्गर. कैन यू ट्राई टू गिव सम आंसर. एक्चुअली क्वेश्चन एक लॉजिक है, कंसेप्ट है, थोड़ा बताना पड़ेगा. पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन के बाद आपको समझता हूँ कॉन्सेप्ट पे, हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट हियर. कैन यू गेस द आंसर, क्या लगता है आपको होना चाहिए आंसर? देखो लॉजिक तो सी होना चाहिए कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो दे आर लॉन्गर बॉन्ड्स बिकॉज एक ही बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से एटम कम क्लोजर. ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन, एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स ट्राई टू कम क्लोजर. सो दिस शुड बी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, दिस शुड बी लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. तो एज पर लॉजिक वी शुड हैव टू सीओ बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वन सीओ बॉन्ड शुड बी शॉर्टर. ये होना चाहिए इसका आंसर है. लेकिन इसका आंसर क्या दिया है, इसका आंसर दिया है ए, ऑल सीओ बॉन्ड्स आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ. ये क्यों हो गया ए इसका आंसर, इसके पीछे कंसेप्ट लगता है, इसका नाम होता है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस. तो थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे रेजोनेंस का क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस फिनोमिना दैट एक्सप्लेन्स के व्हाई दे हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ्स. देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं सिंपल बोलता हूँ किसी भी एटम के बीच में क्या होता है, एक टर्म होता है बॉन्ड ऑर्डर. एक टर्म होता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर. Average number of bonds between two atoms is called bond order. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो बॉन्ड दिए हैं, that means जो double bond should be shorter. यहाँ पे single bond दिया है, तो single bond का meaning bond order one हो जाएगा इस case में. तो single bond का meaning क्या होगा, bond order कम होगा, तो क्या होगा, bond length will be longer. तो bond order is inversely proportional to bond length. बॉन्ड ऑर्डर हाइयर, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर. तो ये आंसर होना चाहिए इसका, सी लेकिन नहीं होता है. इसका रीजन आता है रेजोनेंस आता है. तो रेजोनेंस क्या होता है लिख लीजिए, देखो इट इज रेजोनेंस क्या होता है लिखिए, व्हेन फॉर इस मॉलिक्यूल, ये डिटेल में आएगा एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिलहाल मैं थोड़ा ब्रीफ में बोलता हूँ कुछ एक पॉइंट समझने के लिए ऑर्गेनिक में, बट इन रेजोनेंस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस इट विल टेक एटलीस्ट टू थ्री क्लासेस ओनली फॉर मेकिंग रेजोनेंस टॉपिक क्लियर. बट फिलहाल फॉर टाइम बीइंग थोड़ा समझ लीजिए रफली क्या होता है. वेन फॉर ए मॉलिक्यूल, पैडम, वेन फॉर ए मॉलिक्यूल और आयन ए सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज देन वी ड्रॉ two or more structures by shifting of pi electrons full stop. Different structures are called as resonating structures and phenomena as resonance. क्या बोला, केवल for a molecule or ion a single structure is not able to explain all the properties, then we can draw two or more structures by shifting of pi electrons. The different structures we draw are called resonating structures, resonating
structures and phenomena is called resonance. इसको लिख लीजिए पॉइंट को, थोड़ा समझो, इसको मिटाना पड़ेगा। आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। इक्वालिटी का विजन क्यों होता है बताते हैं आपको। मैं Yes. क्या 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 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड फिनोमिना एज रेजोनेंस। देखो इसका एग्जांपल आपको देता हूं मैं, एक आपको इंफॉर्मेशन, एक आपको पॉइंट पढ़ूंगा ही, आगे आएगा फिर से। ये क्वेश्चन था इसमें कैसे इक्वालिटी का बाउंड ऑर्डर का, इसका रीजन होता है बाय फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। देखो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेंजीन के लिए। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं एनर्जी डायग्राम फॉर बेंजीन, वी हैव टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम स्टेबिलिटी, इनको हम बोलते हैं बेंजीन में क्या, दे हैव सेम स्टेबिलिटी, दिस सिंबल इंडिकेट रेजोनेंस। इन्हें क्या बोलते हैं, बेंजीन्स कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, कैक्यूल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ये होते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये होता है इन बेंजीन के केस में रेजोनेंस हाइब्रिड, ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस जो पार्शियल डबल बॉन्ड्स, हाइब्रिड इज ओनली रियल स्ट्रक्चर, रियल एक ही होता है, रियल रियल इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और क्या होता है कंपेयर टू दिस हाइब्रिड the structures means compared to this resonating structure of benzene, this hybrid is more stable, energy कम है ना, energy ध्यान रखिएगा, stability and energy का order उल्टा होता है, stability is inversely proportional to energy of the structures, energy higher है इसका, इसका energy कम होता है, energy कम का मैंने कहा hybrid is more stable, क्यों होता है, because of this phenomena of resonance। हमने टर्म यूज किया था पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स और इवन इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज, व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स और द लोन पेयर एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, वी कॉल देम पाई इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल देम पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड, वी कॉल देम पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या है, इसमें पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है इसमें जिनमें, तो इनका शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग मींस पाई बॉन्ड्स जो प्राप्त है उनका शिफ्टिंग हुआ, तो एक बार ये स्ट्रक्चर आएगा, शिफ्टिंग उल्टा करने से आपको ये स्ट्रक्चर ये जाता है वापस, तो दे विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन टू सेकंड स्ट्रक्चर्स, बट दे आर नॉट रियल। ध्यान रखिएगा रियल नहीं होता, रियल एक ही होता है, ये हाइपोथेटिकल होते हैं, बट वी कैन जस्ट थिंक ऑफ कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, बट रियल में नहीं होते हैं। रियल में ना होने का रीजन क्या है, देखो एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर हमको सिंपल दिया है इंफॉर्मेशन, सीसी सीसी बॉन्ड दे रखे हैं, इफ यू टेक बॉन्ड्स एंड बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और भी सी डबल बॉन्ड सी और सी सी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कितना आएगा इसमें बॉन्ड लेंथ, 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में 1.22 एंगस्ट्रॉम। ये इंफॉर्मेशन है खाली, एक बार क्वेश्चन पर नीट में था क्वेश्चन,
for CC bond, what is bond length value in ethane molecule? When you take in CC single bond, it has value of bond length 1.54 angstrom. Anyway, ये डेटा है, अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा. अगर हम अज्यूम करते हैं कि बेंजीन में ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, अगर कोई सा भी एक करेक्ट होता, मान लो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, तो क्या होता है करेक्ट होने पे, यहाँ पे तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो दे शुड हैव वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, और तीन डबल बॉन्ड्स हैं, दे शुड हैव वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम. अगर दोनों में से कोई सा भी करेक्ट होता तो क्या होना चाहिए था कि दे शुड हैव टू काइंड ऑफ बॉन्ड लेंथ. बट होता क्या है बेंजीन के अंदर, क्या होता है बेंजीन में, इन बेंजीन मॉलिक्यूल all CC bonds have equal bond length कितना होता है 1.39 angstrom. ये इससे बड़ा होता है 1.34 से, और 1.54 से कम होता है. इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट के बेंजीन हैव all the CC bonds they are not having equal bond length and their equal bond length. और कितना इनका बॉन्ड लेंथ है, दे हैव बॉन्ड लेंथ व्हिच इज इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. ये हाइब्रिड होता है, इसको एनर्जी पर कम होते हैं रेजोनेंस एनर्जी, इट इज दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. इसको लिख लीजिए एक बार पॉइंट को, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर. अभी घबराना नहीं रेजोनेंस को लेके, बिकॉज ये टॉपिक लंबा टॉपिक है, काफी सारे कंडीशंस हैं, पॉइंट्स हैं इसमें. I'm just trying to explain it very briefly. In some cases, when the bond angles equality will be required to be explained using resonance concept. लिखा पूरा थोड़ा समझ में आया नहीं, थोड़ा सा देखिए. अगर हम बोलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में से कोई सा भी करेक्ट होता तो दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होना चाहिए बेंजीन के पास. तीन सिंगल बॉन्ड है, उनका वैल्यू इतना होना चाहिए बॉन्ड लेंथ का. तीन डबल बॉन्ड्स हैं, दे शुड हैव दिस बॉन्ड लेंथ. बट एक्चुअली क्या होता है बेंजीन में सारे सीसी बॉन्ड है, ऑल सीसी बॉन्ड्स हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ. कितना इसका वैल्यू है 1.39 एंगस्ट्रॉम, इट इज मोर देन 1.34 and less compared to 1.54, it is intermediate of these two values. That means benzene have two kind of bond, a single all kind of same, sorry, all same bond length because of this phenomenon of resonance. इसी का तो shifting of pi electron is called resonance. By shifting of pi electrons, they can convert to one to back again. But real नहीं, real एक ही होता है जो resonance hybrid होता है. They are just hypothetical, we can draw by shifting of pi electrons.
इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि दैट एक्सपेंड्स द इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ. इफ यू टेक इवन आयन वर्स कार्बोनेट, व्हेन द आयन इज कार्बोनेट, वहां पर भी क्या था, रेजोनेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस. कैसे होगा रेजोनेंस, उसमें देख लेते हैं एक बार. ये आपका आयन था कार्बोनेट आयन, ईच ओ हैव थ्री लोन पेयर, ऑलरेडी वी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, दिस ओ हैव टू लोन पेयर, है ना. तो क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस कैन, ये आपका लोन पेयर बनेगा पाई बॉन्ड यहां पे, देन यहां पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ओ के पास, तो क्या बनता है. अभी थोड़ा देख लीजिए, आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में, और एक बार प्रैक्टिस करूंगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज वहां पे डिटेल में जाऊंगा. इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूं उस पॉइंट को. ये बॉन्ड सेम रह जाएगा इस केस में. यहां पे इसका मीनिंग क्या है, इस एरो का मीनिंग होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था यहां बनेगा पाई बॉन्ड, और इस एरो का मीनिंग करके इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे वो जाएंगे ओ के पास, तो ओ है लोन पेयर, देन ओ विल हैव नेगेटिव वन फॉर्मल चार्ज, दिस ओ हैव डबल बॉन्ड. अगेन सी बाय रेजोनेंस वन मोर टाइम, दिस कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, यहां पे का सिंगल बॉन्ड. यू वर आस्किंग ना अर्लियर व्हेन आई वाज टीचिंग लेविस कांसेप्ट कि सर ये डबल बॉन्ड कौन सा लिखना चाहिए, व्हिच कैन बी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आई कुड राइट एनीवन, बिकॉज़ तीनों ही इक्विवेलेंट होते हैं और तीनों होते ही नहीं है, होता केवल एक ही है जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. ये बनेंगे दो स्ट्रक्चर्स, तो ये हमारा, अगर इससे वापस आना है फर्स्ट को, तो अगेन वी कैन गेट द स्ट्रक्चर नंबर 1, मीन दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम 1 टू सेकंड एनीवे. तो ये हमारे तीन स्ट्रक्चर बनते हैं इस केस में रेजोनेंस की वजह से. तो आप देख सकते हैं दिस CO कैन बी डबल बॉन्ड, देन टू सिंगल बॉन्ड्स, दिस CO कैन बी डबल बॉन्ड, द टू रिमेनिंग सिंगल बॉन्ड, दिस CO कैन बी डबल बॉन्ड, टू रिमेनिंग सिंगल बॉन्ड्स. अब हम कहेंगे सर कौन सा डबल बॉन्ड है, हाउ टू राइट, नो, इनमें से कोई सा भी रियल नहीं होता. रियल कौन सा होगा, एक होगा इन सबका एक रेजोनेंस हाइब्रिड. हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, देखिए ऑल कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ऑल फॉर्म डबल बॉन्ड, तो वी ड्रॉ पार्शियल डबल बॉन्ड्स, और चार्ज कितना हुआ, ओवरऑल हुआ -2, राइट आउटसाइड -2 चार्ज, और डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, फुल तो नहीं है. ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. तो यहां पे क्या देखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर सारे ही बॉन्ड में क्या है, इक्वल है बॉन्ड ऑर्डर, इक्वल है बॉन्ड लेंथ. तो इन कार्बोनेट आयन में इक्वल बॉन्ड लेंथ बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. तो ऐसे केस में क्या होता है, टर्म आता है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर व्हेन रेजोनेंस कैन टेक प्लेस. तो हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर व्हेन रेजोनेंस कैन अकर इन मॉलिक्यूल, सो ये होता है 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बाय सिग्मा बॉन्ड्स. दो एटम के बीच का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, कितना निकालेंगे, 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बाय पाई बॉन्ड्स. जैसे यहां पे कितना होगा, इन कार्बोनेट आयन व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स, BO बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्ट लिखते हैं इसको BO, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स, कितना होगा 1 प्लस, कितना पाई बॉन्ड है 1, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, इनमें रेजोनेंस हो सकता है 3, तो क्या आएगा 1.33. इसका मीनिंग क्या है कि CO बॉन्ड्स है बॉन्ड ऑर्डर 1.33, 1 से बड़ा है 2 से कम होता है, दैट एक्सप्लेन्स इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. इफ आई सपोज टेक CO2 मॉलिक्यूल, CO2 में भी रेजोनेंस हो सकता है, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो इसमें कितना आएगा CO का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स, 1 प्लस कितना सिग्मा पाई, 2 पाई बॉन्ड है, 4 2 सिग्मा बॉन्ड है, कितना आएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा. ये होगा कार्बोनेट आयन. इफ यू सपोज टेक हियर, एक होता है फॉर्मेट आयन, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, इन फॉर्मेट आयन रेजोनेंस कैन टेक प्लेस. ये भी क्वेश्चन यहां पूछता है, कैसे पूछेगा बताता हूं मैं. यहां पे क्या होगा रेजोनेंस, जैसे यहां पे अगर डबल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड, CH में कोई रेजोनेंस हो सकता है, CH बॉन्ड कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस बिकॉज़ ऑलरेडी H में एक ही बॉन्ड हो सकता है कभी भी है. तो दिस बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, दिस बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड. तो इनमें से भी क्या बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड बना उसका, तो हाइब्रिड से बनता है HCOO पार्शियल बॉन्ड्स, तो चार्जेस -1 ओवरऑल. अगर आपको लिखना होता है इसमें कि इन दिस केस व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स, कितना आएगा इस केस में, क्या होगा 1 प्लस 1 पाई बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स 1.5. इसे काउंट नहीं करना है, हमें वो एटम काउंट नहीं करना होता है जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है,
इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसे काउंट नहीं किया। क्या किया हमने काउंट? इतना किया खाली, वन प्लस कितना पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो 1/2, तो 1.5 हुआ। अगर सपोज क्वेश्चन पूछते भी हमें व्हाट इज ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट आयन, HCO O नेगेटिव आयन कॉल्ड फॉर्मेट आयन, इसका नाम होता है फॉर्मेट आयन, एंड CO2 मॉलिक्यूल, कैन यू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स, 1.33 था, अपने कहां पे गया, ये था इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33, इसमें क्या था आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.0, तो जितना कम आपका होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज बीओ, दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन वी कैन एक्सप्लेन इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। समझ में थोड़ा सा नहीं आया, थोड़ा सा ओके एक बार लिख लीजिए, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, राइट ऑल द पॉइंट क्लियरली। एक्चुअली रेजोनेंस एक लंबा टॉपिक है, अभी तो मैंने बहुत ब्रीफ में पढ़ाया, आई टोल्ड यू एटलीस्ट इट टेक 3 क्लासेस। एक्चुअली ये फिर से पढ़ाना है, इसलिए मैं टाइम इसमें दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज फिर से दोबारा टाइम इसमें खराब करूंगा। वो रेजोनेंस में जब तक आपका और पॉइंट्स भी क्लियर नहीं होते, बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती, तब तक थोड़ा सा इन्वॉल्व कम करना है इसको। अभी एक क्वेश्चन था ना इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, फॉर दैट रीजन आई गिव दिस क्वेश्चन टू यू, इसको लिख लो फटाफट। हाँ है टेस्ट, पर प्रैक्टिस टेस्ट होगा। लिखा पूरा? लिखा पूरा? नहीं सॉरी, नहीं नहीं यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड होता है ना, जब पार्शियल बॉन्ड होगा तभी निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। व्हेन रेजोनेंस कैन टेक प्लेस द बॉन्ड्स आर नॉट एक्चुअल डबल बॉन्ड्स, दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स, तो वहां पे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे मीनिंग क्या है, मोर देन डबल है, मोर देन टू है, सॉरी मोर देन वन है बट लेस देन टू होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड।
इन कार्बोनेट, ये दोनों में क्या है, दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड होता है CO2 में। लिखा पूरा बच्चे लोग? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक बार सुन सुन लीजिए। देखो होता क्या है, कई बार जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कब हो सकता है कि जब पाई बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मींस लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है आराम से, दैट काइंड ऑफ केस रेजोनेंस कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, रेजोनेंस दे हैव इक्वलिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आल्सो। क्योंकि देखो ना इसमें आप कहेंगे सर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कोई तो रूल होता नहीं ऐसा कि ये होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, कि वो होना चाहिए, जब इक्वल सारे होते हैं, बिकॉज एनी वन बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, देन वी आर ड्रॉइंग दिस फिनोमेना कॉल्ड रेजोनेंस। तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से इक्वलिटी होगा बॉन्ड ऑर्डर का, अगर सब बॉन्ड सेम टाइप के हो सकते हैं तो ऐसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। व्हेन रेजोनेंस कैन टेक प्लेस देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। कैसे निकालते हैं, 1 + 1/3 कि कितना होता है, 1 + π बॉन्ड आपका एक था, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हम कौन से सिग्मा बॉन्ड लेते हैं जिनके थ्रू रेजोनेंस होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड था, ने काउंट नहीं किया इसको, क्योंकि इसमें आपका होगा ही नहीं रेजोनेंस, तो केवल इसी बॉन्ड के ऊपर रेजोनेंस होता है। तो एक पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1/2 लिखा हमने, ये हुआ इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो ऐसे केस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मींस बॉन्ड लेंथ कम होगा उस केस में, लॉन्गर हायर द बॉन्ड ऑर्डर लोअर द बॉन्ड लेंथ, बिकॉज एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स एटम कम क्लोजर दैट डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ। गॉट इट? कैन यू टेल फॉर बेंजीन व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ इन बेंजीन मॉल, कैन यू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर इन डिफरेंट केसेस? आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन फॉर सीसी बॉन्ड, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड। अगला दिया है आपको, इफ यू टेक सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड आयन दिया है आपको, इसमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड्स, सल्फेट आयन दिया है यहां पे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड्स, फॉस्फेट आयन दिया है यहां पे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO सिंगल PO बॉन्ड्स, एक दिया है Cl O3-, इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड्स, ClO4-,
यहां पे भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड्स. कैन यू फाइंड इन ऑल ऑफ दिस बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज एंड ऑल्सो कंपेयर गिव द ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड लेंथ. SO बॉन्ड लेंथ इन सल्फाइड आयन सल्फेट आयन ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड लेंथ ClO3 माइनस ClO4 माइनस. हेल्प्स यू कि अब वी कैन डू आई थिंक सब पॉइंट तो बोला हुआ ट्राई करो फटाफट. हो गया आंसर. लेट अस फर्स्ट फाइंड बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसमें
Can you tell the answer bond order of C bond in benzene? 1 plus 3 upon 6. Only we count 6 carbon carbon single bonds, not CH bonds. So, kitna aayega 1.5. Yes, correct answer. Yahan kitna aayega 1 plus 1 pi 3. Yes, 1.33. Yahan kitna aayega 1 plus 2 upon 4. 1.5. यहाँ कितना आएगा 1 plus 1 by 4 1.25. यहाँ कितना आएगा 1 plus 2 upon 3 1.66. यहाँ कितना आएगा 1 plus 3 upon 4 1.75. तो what is the order of bond length? It is inversely proportional to bond order. यहाँ पे किसका bond order ज्यादा है? इसका bond order कम होता है. तो कम का मीनिंग लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. यहाँ पे भी सेम कहानी. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1.75, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.66. बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. आर यू क्लियर? व्हेन रेजोनेंस कैन टेक प्लेस, दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. Okay. किसी को हो से समथिंग? यस सर. समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में जहां रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होता है, सिंपल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, लोन पर होता है, तो ऐसे केस में रेजोनेंस हो सकता है. एक्चुअली पूरा टॉपिक है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, सब आई विल डिस्कस इन जीओसी. बट फॉर टाइम बीइंग दैट आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. इन कार्बोनेट एंड दे वर हैविंग इक्वल बॉन्ड लेंथ, सो इज इन दिस केस और दिस केस. All the case, they are all having same bond length of SO bonds, PO bonds or ClO bonds. They have equal bond length. Same with benzene also. You can draw any structures, so they will have same bond order. ये हमारा topic के बारे में थोड़ा बोला था, resonance के बारे में. अब हम अगला topic लेते हैं, dipole moment. Next topic is dipole moment. अभी आपका जो नेक्स्ट थ्योरी है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बाद में आएगा. पहले हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट. व्हाट दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन डायपोल मोमेंट? बेसिकली डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन्स आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और कोवलेंट बॉन्ड्स. Covalent bond can have some ionic character. Covalent bonds can have some ionic character that can be explained by this concept of dipole moment. देखो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं. एक होता है let's say Cl2 molecule. यहाँ क्या है, Cl2 में Cl Cl bonds. यहाँ पे दोनों atom same होते हैं, they have same value of electronegativity. तो bond pair is shared equally between two atoms. तो no atom have delta plus or delta minus charge. It is said to be ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कोई पोलरिटी नहीं है, चार्ज नहीं आता एटम पे बिकॉज ऑफ एटम्स डिफरेंस. तो इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बट इफ आई टेक सपोज HCl बॉन्ड, तो क्या हुआ, HCl बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर क्लोज टू क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, डेल्टा माइनस चार्ज. हाइड्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो हाइड्रोजन और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो दिस मॉलिक्यूल इज सेट टू बी ए पोलर मॉलिक्यूल. क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल. इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर के मीनिंग डायपोल्स आर देयर, दे हैव डायपोल मोमेंट वैल्यूज ऑन द एटम्स. तो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो व्हेन यू पोलर मॉलिक्यूल्स कब होते हैं, दिस पोलैरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहां पे दो डिफरेंट एटम दिए हैं और दोनों में क्या दिया है, डिफरेंट वैल्यू दिया है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग क्या है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर मोर क्लोज टू क्लोरीन साइड. सो क्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दिस क्लोरीन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, डेल्टा माइनस चार्ज. हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन साइड, तो हाइड्रोजन एटम बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अक्वायर डेल्टा प्लस चार्ज. That means this bond was covalent bond.
बट दिस बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड अक्वायर्स सम पोलैरिटी और आयनिक करेक्टर, आयनिक में क्या होता है चार्ज होता है एटम पे फुल प्लस और माइनस, तो यहां पे कोवलेंट बॉन्ड था फिर भी क्या होता है दिस अक्वायर्स सम पोलैरिटी, दैट पोलैरिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाउ टू फाइंड दिस डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली, सिंबल टेकन म्यू, तो वी कैन टेक मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट कैन बी टेकन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेल्टा चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है चार्ज के बीच में, बॉन्ड लेंथ, तो चार्ज कितना होगा एटम के ऊपर जो भी डेल्टा होता है, इफ आई सपोज टेक कैन यू रिकॉल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस कितना होता है, कैन यू टेल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस सिस्टम कितना होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऐसे सिस्टम 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, रिलेशन क्या होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ESU क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ESU, 1 ESU क्या हो जाएगा अगर बोलना चाहेंगे तो 1/3 × 10⁹ कूलम्स। एनीवे अगर हम चार्ज देंगे इलेक्ट्रॉन का सीजीएस सिस्टम में तो कितना होगा इसका 4.8, हमने फुल लिखा है बट पार्शियल चल होता है 10⁻¹⁰, डिस्टेंस कितना होता है बॉन्ड लेंथ का वैल्यू हम लेंगे एंगस्ट्रॉम के अंदर तो कितना होगा मीटर्स में ले लेते हैं इन सेंटीमीटर्स, ये था आपका ESU चार्ज था इनटू डिस्टेंस से बॉन्ड लेंथ लेंगे समथिंग इन द रेंज ऑफ 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे इसको 4.8 इनटू समथिंग इनटू 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, इसी को कहते हैं डिवाई यूनिट, इट इज कॉल्ड 4.8 इनटू समथिंग डिवाई, वन डिवाई कितना होता है वन डिवाई इज इक्वल टू 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर। कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ वन डिवाई कूलम मीटर, कैन यू टेल वैल्यू ऑफ वन डिवाई कूलम मीटर, देखो वन ESU हाउ मच कूलम इतना होता है, वन सेंटीमीटर भी हाउ मच मीटर्स में 1/100 meters, तो if it is taken the value of 1 ESU centimeter कितना हो जाएगा 1/3 × 10⁻¹⁹ × 1/100 कितना हो जाएगा ये 3.33 × 10⁻¹⁰ कूलम मीटर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको अपन लोग मल्टीप्लाई कर यहाँ पे तो 3.33 × 10⁻¹⁰ − 12 × −30 कूलोमीटर, cm इज कूलोमीटर, तो ये हमारा यूनिट है डिवाई यूनिट होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट, वन डिवाई कितना होता है इन कूलोमीटर इतना है एंड इन ESU सेंटीमीटर होता है 10⁻¹⁸, लिख दिया नहीं
लिखना पूरा। ये सर लास्ट में लिखिए। हाँ सर हो गया। चलो आगे चलें। तो ये आपका एक कैलकुलेशन करते हैं डाइपोलमेंट का, थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। एक काम आता है इसमें कि इसका यूज क्या है डाइपोलमेंट का। एक तो क्या पोलैरिटी रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, और एक होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर और आयनिक करेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बताते हैं। देखो फॉर द बॉन्ड्स व्हाट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इट कैन बी टेकन एज ऑब्जर्व्ड डाइपोलमेंट, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। म्यू मीन्स डाइपोलमेंट यूनिट सिंबल है, म्यू थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल इनटू 100। तो जो पहला वैल्यू दिया है न्यू ऑब्जर्व, दिस वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटल। जो वैल्यू मिलता है दिस वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटल आपको मिलेगा क्वेश्चन में। एंड दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग क्लास फोन कर देते हैं। बाय अज्यूमिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड न्यू थ्योरेटिकल। इसको अप्लाई कैसे करते हैं आई विल एक्सप्लेन थ्रू इन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि फॉर एचसीएल बॉन्ड और एचसीएल मॉलिक्यूल आपको दिया है म्यू ऑब्जर्व, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्व वैल्यू और वी कैन कॉल म्यू एक्सपेरिमेंटल 1.03 डिवाई। आपको दिया है बॉन्ड लेंथ, आपको बॉन्ड लेंथ दिया है ऑफ एचसीएल बॉन्ड 1.275 एंगस्ट्रॉम। निकालना क्या है, फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ एचसीएल बॉन्ड। कैन यू फाइंड विल यू ट्राई, शैल आई हेल्प यू। एक बार ट्राई करो जरा, मैंने आपको फॉर्मूला से बोले हुए, कन्वर्ट टू सेम यूनिट्स देन ट्राई।
देखो कैसे करें इसको, पहले हम निकालते हैं, आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट दिया है, वी विल फाइंड न्यू थ्योरेटिकल। हाउ टू फाइंड न्यू थ्योरेटिकल? एक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू थ्योरेटिकल क्या लेते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द चार्ज इज फुल इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग हुआ बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस आपका अगर बॉन्ड लेंथ बराबर तो चार्ज कितना होगा 4.8 इनटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU, डिस्टेंस जो है 1.275 इनटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, वो कितना होगा 4.8 इनटू 1.275 इनटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। दिस कैन बी टेकन हाउ मच, 4.8 इनटू 1.275 डिवाइड, इतना ना, दिस इज 1 डिवाइड, ये है न्यू थ्योरेटिकल, ये दिया है न्यू ऑब्जर्व्ड, देन व्हाट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ द बॉन्ड, आईसी फॉर आयनिक करेक्टर कितना होगा इसमें 1.03 अपॉन 4.8 इनटू 1.275 इनटू 100, डी और डी होगा यूनिट्स, तो ऑन कैलकुलेशन इट इज अराउंड 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑन कैलकुलेशन यू कैन डू दिस कैलकुलेशन लेटर ऑन। इट इज फॉर द मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, गॉट इट? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल वी अज्यूम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो फुल चार्ज देंगे इलेक्ट्रॉन का, डिस्टेंस देंगे फुल माइनस चार्ज, फुल बॉन्ड लेंथ, तो निकालते हैं क्या यहां से न्यू थ्योरेटिकल, ये होता है एक्चुअल में इतना है, ये इतना होता है अगर पूरा पूरा आयनिक होता तो परसेंटेज कितना हुआ आयनिक करेक्टर का, बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड, गॉट इट? सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट, न्यू इज सिंबल ऑफ द मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट, लिखा पूरा? तो एक तो ये होता है, एक होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर वी हैव वन मोर एक्सप्रेशन वी जस्ट कैन रिकॉल, आपका स्केल था ना स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे एक स्केल था मैंने दिया था आपको हेनी स्मिथ इक्वेशन, याद है हेनी स्मिथ इक्वेशन? दिस इक्वेशन कैन आल्सो हेल्प टू फाइंड द बॉन्ड्स परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कैसे निकालते हैं इस रेडिएशन से आईसी अगेन आयनिक करेक्टर, ये होता है 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी स्क्वायर, यहाँ पे काई क्या है सिंबल, काई आपका सिंबल है एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सिंबल ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें,
जैसे मान लो यहाँ पे मॉड लेते हैं, काई ए इज मोर देन काई बी, देन सिंपल मॉड लेते हैं इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इससे अगर मान लो एग्जाम्पल दिया होता कि सपोज ये क्वेश्चन था फिर से कि फॉर एचसीएल मॉलिक्यूल आपको दिया काई एच 2.1, काई ऑफ क्लोरीन 3.0 रफली ले दिया मैंने, देन फॉर एचसीएल बॉन्ड फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कैन यू फाइंड बाय द सेकंड फॉर्मूला? Yes. दिया है ना क्वेश्चन में यार, तो दे दे क्वेश्चन में। सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, वैल्यू यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो कितना आएगा उसमें 16, काई ए मींस जो भी हायर माइनस लोअर ले लेंगे तो 0.9 प्लस 3.5, 0.9 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा सर आंसर यहां पे 14.4 प्लस 3.5 इनटू 0.81। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये भी अराउंड आएगा 17 के आसपास आता है परसेंटेज ऑन कैलकुलेशन। ये तो था आपका सिंपल मॉलिक्यूल दिए होते, तो सपोज वी हैव द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन टू एटम्स, व्हेन द मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन टू एटम्स देन हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट। देखो यहां पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इफ इट सपोज टेक एचसीएल बॉन्ड तो जो डेल्टा प्लस होता है वहां पे इसका टेल होता है, ये डेल्टा माइनस का हेड होता है, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होता है, डेल्टा प्लस टेल होता है, हेड होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया होता है एबी टू टाइप मॉलिक्यूल, एबी टू आपको मॉलिक्यूल दिया है, इसमें ये दिया है हमारा बॉन्ड एंगल थीटा, और अगर आपको दिया है कंपेयर टू सपोज ए बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज टुवर्ड्स बी, और दिया है कि फॉर ईच बॉन्ड म्यू ए बी इज द डायपोल मोमेंट, दोनों बॉन्ड सेम है, बोथ बॉन्ड हैव सेम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, यहां पे क्या होगा, ये होगा म्यू रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट कितना होगा इसका वैल्यू, ये होगा एंगल थीटा बाई टू करना पड़ेगा फॉर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, पूरा थीटा का हाफ करना पड़ेगा तो कितना आएगा म्यू रिजल्टेंट, यहां पे म्यू रिजल्टेंट कैन बी टेकन टू म्यू ए बी कॉस थीटा बाई टू, cos theta by 2, so we can write in short mu r, r for resultant, तो हम बोल सकते हैं mu resultant क्या होता है, it is directly proportional to cos theta or to theta inversely,
क्वेश्चन पूछता है आपके अंदर है कि आपको एक मॉलिक्यूल देंगे इस टाइप का मॉलिक्यूल, आपको दिया है ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल, थीटा दिया होता है, पूछते क्या है कि म्यू रिजल्टेंट इज हाईएस्ट व्हेन थीटा इज, ऑप्शन देंगे इसमें 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का? थीटा जहां से कम होगा दैट केस मॉलिक्यूल ऑफ हाईएस्ट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। यस करेक्ट है। लिखा आगे चले हो गया पूरा? चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसी पॉइंट पे। एक और एक क्वेश्चन आपको दिया होता है, सपोज एक कंपाउंड दिया है, ये बेंजीन होता है, जानते हैं उसका नाम, यहां पे ये दिया है, इसको होते हैं ऑर्थोडाइक्लोर बेंजीन। बेंजीन दो लगा है, बेंजीन में क्या होता है नाम होता है पोजिशन का। अगर आपका प्लेन बेंजीन है, इसमें यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप इज एनी वन, तो यहाँ पे इसको वन बोलते हैं पोजीशन को, इसको 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन होते हैं इसमें बेंजीन में। तो यहाँ पे क्या होता है वन तो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में 2, 6 को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस, 3, 5 आर कॉल्ड एज मेटा पोजीशंस, एंड 4th इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। नाम होता है पोजीशंस का, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस। ये है ऑर्थो डाइप, इसका नाम क्या हुआ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो कॉमन समझ रहेगा, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कैन यू टेल फॉर दिस कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट वैल्यूज फॉर दिस मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट वैल्यूज, ऑर्डर क्या हुआ इसका?
what? What is the first one in एनी ग्रुप इज अटैच, कोई भी ग्रुप लगा सकते, क्लोरीन लगा तो उसमें क्लोरीन के ऑर्थो बेंज लगा हुआ है, सेकंड क्लोरीन तो नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ओ फॉर ऑर्थो, ओ आपका शॉर्ट नेम होता है, ओ फॉर ऑर्थो शॉर्ट नेम है, ओ का ऑर्थो, मेटा का होता है एम, पैरा का होता है पी सिंबल्स, दो क्लोरीन है ना तो नाम होगा डाइक्लोरो, बेंजीन लगा है तो डाइक्लोरोबेंजीन, तो है ही नहीं कोई यहाँ पे, मैं ये तीन को ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन है, इनमें कंपेयर करना है, 2,6 कहाँ गया इसमें, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, सही है, यहाँ पे कितना देखो, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो यहाँ पे कितना एंगल आपका होगा, एंगल 60 डिग्री, इसका हाफ होगा, ये होगा म्यू रिजल्टेंट, यहाँ पे कितना आपका एंगल है 120 डिग्री, ये आपका होगा म्यू रिजल्टेंट, यहाँ पे कितना आपका एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा म्यू रिजल्टेंट, जीरो, बिकॉज दोनों सेम एटम है, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, तो क्या होता है म्यू रिजल्टेंट, आपका जो भी होगा म्यू सी एल सी सी एल बॉन्ड, कॉस थीटा बाई टू थीटा आपका है 180 डिग्री बाई टू कर दोगे कितना होता है 90, कॉस 90 जीरो, तो फॉर दिस मॉलिक्यूल म्यू रिजल्टेंट इज जीरो बिकॉज एंगल था आपका 180 डिग्री, टू डायपोल्स आर कैंसलिंग आउट म्यूचुअली कंप्लीटली ईच अदर, तो ये इसे क्या बोलते हैं, पैरा को बोलेंगे यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट म्यू आर इज जीरो, इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इन्हें क्या बोलेंगे दोनों को, देयर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, देयर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर का मीनिंग क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, कि म्यू रिजल्टेंट इज नॉन जीरो तो पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है म्यू रिजल्टेंट इज जीरो वी कॉल देम नॉन पोलर मॉलिक्यूल, गॉट इट, तो इसको लिख लो, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे थ्योरी पार्ट में, इवनिंग में और क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में कि हाउ टू फाइंड पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।